हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट जो एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं आपके लिए एसबीआई क्लर्क की आपकी सैलरी स्लिप लाया हुआ हूं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी इनहैंड सैलरी कितनी रहती है। अब ये जो एम्प्लॉई जिसकी सैलरी स्लिप है, इसने अभी हाल ही में जनवरी में आपका ज्वाइन किया हुआ है, तो ये आपकी सैलरी स्लिप फरवरी 2022 की आपकी है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने ज्वाइन किया था 20 जनवरी के आसपास, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से उसकी सैलरी जो है वो आपकी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेसिक पे आपका 19,900 रुपये है। डेरिंग अलाउंस जो आपका होता है वो आपका बेसिक पे पे ही आपका रहता है, जो आपका करंट में है। और फिर आपका कितना हो गया, 7,999.71। हाउस रेंटिंग अलाउंस आपका 2,091 है। अब ये जो होता है ये आपका वेरी करता है सिटी बाई सिटी, ठीक है। अगर आपकी सैलरी स्लिप में अगर चेंज है किसी की सैलरी स्लिप में, तो कहीं ना कहीं आपका एचआर जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका वेरी कर रहा होगा। बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो यहाँ पर आपको 600 रुपये मिलता है। अगर आप आईबीपीएस में जो पीएसयू बैंक्स आती हैं उनमें आपका 300 रुपये आपका अलग से दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका ज़्यादा रहता है। एरियर्स ऑफ अर्निंग, जैसे ये आपको 9,815 आप देख रहे हो, तो ये मैं आपको बता दूँ कि पिछले मंथ का ये जो था, ठीक है, सैलरी पिछले 10 दिन की जो सैलरी थी 10-11 दिन की, वो आपकी सैलरी आपकी 9,815 रुपये आपकी आई हुई है, जो कि यहाँ पर आपकी एड ऑन इस मंथ में आपकी हुई है। यहाँ पर आपको स्पेशल अलाउंस आपको दिया गया वो आपका 3,263 रुपये 60 पैसे है। स्पेशल पे आपका ये जो ये आपका आया, ये अभी हाल ही में नया आया हुआ, ये आपको अलग से 500 रुपये आपको सैलरी पर अलग से दिया जाता है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 44,159 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। अब ये सैलरी जो है इसमें कोई भी डिडक्शन इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पर जो 9,815 आपको मिला हुआ है पिछले मंथ के आपका 10 महीने का 10-11 दिन का आपका जो अमाउंट है, अगर ये अगर हम लेस कर देंगे तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो लगभग 34,000 के करीब आपकी जो सैलरी है वो आपकी बनेगी जाके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चेक कर लेते हैं कि आपका प्रोफेशनल टैक्स आपका 200 रुपये आपका कटता है, ठीक है। आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड जो आपका 10-11 दिन का जो था उसमें अलग से 150 रुपये आपका पड़ा। फिर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन फंड है CPF आपका कटता है, जो आपका आपका 2,713 रुपये कटता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका जो डिडक्शन है वो ओवरऑल 3,63 रुपये आपके लगभग आपके कट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी सैलरी अभी इस एम्प्लॉय की बनी वो 41,107 रुपये आपकी नेट सैलरी जो है वो आपकी हुई है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि 41,107 रुपए जो आप देख रहे हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 9,815 रुपए आपका अलग से यहां पर डिडक्शन जो है वो आपका लगभग आपका हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कि इन हैंड सैलरी आपकी क्या बनेगी, तो ये आपकी सैलरी जो बनेगी जाके वो आपका 32,000 के करीब आपकी समथिंग आपका बनेगी जाके। तो ओवरऑल आपकी SBI की सैलरी स्लिप आपकी इस तरीके से रहती है, और आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो SBI में आपकी इतनी रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ओके।